दिस स्पेशलिटी अ लिटिल बिट टू यू कि हमारा पहला लेक्चर है. बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्लाइड्स भी नहीं होंगी, और उसके बाद हम जाएंगे जो इसका टॉपिक है, इसकी जो मेन बेसिस है हमारी फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, जो हमारी स्पेशलिटी है. इसमें हमें इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, आपने लेक्चर में भी देखा होगा ऊपर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन लिखा था और नीचे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप. एक्सप्लेन दिस वन बाय वन टू यू, बट एट द एंड पहले आपको आई गिव गिव यू अ फूड ऑफ थॉट थॉट अबाउट दिस स्पेशलिटी. इट इज वी कैन से इट्स क्वाइट इवॉल्विंग एंड न्यू एज फार एज थर्ड वर्ल्ड इज कंसर्न, और एटलीस्ट इन दिस एरिया एंड स्पेशली इन पाकिस्तान इट इज न्यूली इवॉल्विंग. पाकिस्तान इज नॉट नाउ इन थर्ड वर्ल्ड, क्विकली माशाल्लाह गोइंग अप. एंड अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में इस स्पेशलिटी को फिजियाट्री कहा जाता है, फिजियाट्री, फिजियाट्रिस्ट. और इन हम क्योंकि फॉलो करते हैं यूरोप को, खासतौर पे इंग्लैंड, हमारा जो सिस्टम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं ज्यादातर, तो हम वहाँ पर ये स्पेशलिटी को कहा जाता है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है. अच्छा, आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बिल्कुल आखिर में पूछिएगा, 10 मिनट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे. हम लेक्चर को 1 घंटे तक लेके नहीं जाएंगे, हम जल्दी खत्म करेंगे. ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, तकरीबन 11-12 लेक्चर्स हैं, इस वीक में 3 और लेक्चर्स हैं, तो आपको ऐसे ऐसे स्पेशलिटी का पता चलता जाएगा. शुरू में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, वॉट इज फिजियाट्री और रिहेबिलिटेशन मेडिसिन? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट इन अमेरिका और इन कैनेडा और इन मेनी अदर कंट्रीज इट इज कॉल्ड फिजियाट्री. और वी हैव, यानी जैसे होता है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, इसको कहते हैं फिजियाट्रिस्ट, नॉट फिजियोथेरेपिस्ट. आप उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद फिर इसकी ट्रेनिंग होती है, एफसीपीएस पार्ट टू ट्रेनिंग फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में. 1997 में इसका पहला बैच स्टार्ट हुआ था, 1997, और 2001 में फर्स्ट एग्जाम हुआ था एफसीपीएस. फिर आप बाकायदा इसमें फेलो बनते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन. दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंजरी एंड द रिहेबिलिटेशन फ्रॉम रिजल्टेंट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी बाई यूजिंग थ्रू द कम्बाइंड यूज ऑफ मेडिकेशन, फिजिकल मोडेलिटीज, फिजिकल ट्रेनिंग विथ थेरापूटिक एक्सरसाइज, मूवमेंट एंड एक्टिविटीज मॉडिफिकेशन, एडेप्टिव इक्विपमेंट एंड असिस्टिव डिवाइस, ऑर्थोसिस जिसको हम ब्रेसिस भी कहते हैं, प्रोस्थेसिस एंड रियलिस्टिक ट्रेनिंग अप्रोचेस. ये यकीन आपको एक मुश्किल किस्म की डेफिनेशन लगी होगी हमारी फील्ड की, लेकिन इसमें हम तकरीबन सारी चीजें आ गई. लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर्स इसके होते जाएंगे और चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी. इसको हम सिंपली अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, तो इसमें क्या होता है कि वी हैव टू डील विद द डिसेबिलिटी. ओके, एंड किसी भी पेशेंट को, किसी भी बीमारी में कोई डिसेबिलिटी आती है तो वी हैव टू इम्प्रूव द फंक्शन एंड वी हैव टू री इंटीग्रेट दैट पेशेंट इन टू द कम्युनिटी. एक डिजीज हुई, डिजीज की वजह से इम्पेयरमेंट, वो डिसेबिलिटी की शक्ल में इख्तियार कर गई और बाद में उसको हैंडीकैप हुआ, यानी सोसाइटी में वो सही रोल अदा नहीं कर सका, तो उसको वहां से उठाना है, उसको कम्युनिटी तक लेके जाना है, रीहैब करनी है. मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंजरी एंड द रिहेबिलिटेशन फ्रॉम रिजल्टेंट इम्पेयरमेंट, जो इम्पेयरमेंट की वजह से जो हुई डिजीज या जिसकी वजह से, तो हम रिहेबिलिटेट करते हैं दैट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज बाय यूजिंग थ्रू द कम्बाइंड, हम मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जिसमें मेडिकेशन हैं, फिजिकल मोडेलिटीज हैं, इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग है विथ थेरापेटिक एक्सरसाइज, मूवमेंट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एडेप्टिव इक्विपमेंट होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्थोसिस इस्तेमाल होते हैं, आप आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे क्या होते हैं वो, एंड असिस्टिव डिवाइसेज जो हेल्प करते हैं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस भी हो सकती हैं, सिंपली एक केन भी हो सकती है, किसी को चलने के लिए एक आप छड़ी दे दें वो भी असिस्टिव डिवाइस है. ऑर्थोसिस आपको पता ही है, जैसे रिस्ट ड्रॉप आपको पता होगा, उसमें जैसे कॉकअप स्प्लिंट देते हैं, इस तरह की चीजें. प्रोस्थेसिस हम इसको कहते हैं जो मसनूई आजा है, जैसे किसी का अगर एम्पिटेशन हो गई, कुछ हो गई, ये सब चीजें, एंड रियलिस्टिक ट्रेनिंग अप्रोचेस.
वॉट इज अंडरस्टूड बाय रिहेबिलिटेशन। अब आपको कुछ जो मैं चीज समझा रहा था वो एक बस एक ये एक स्लाइड है, अगर इसमें हम आप वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। अ मिस परसेप्शन, अच्छा हमारी फील्ड के बारे में एक मिस कि हम जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं इनको हम मिक्सअप कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, कि फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है, या रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट, जैसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट जो हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं वो करते हैं रिहेबिलिटेट करते हैं जो एडिक्ट्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन वो भी नहीं है, फिजियोथेरेपी भी नहीं है ठीक है। जनरल पब्लिक ये समझती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं वो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फील्ड इस इनमें से कुछ भी नहीं है। व्हाट इज फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन एम्फेसाइजिंग द प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कहाँ किस किन किन वजूहत की वजह से हो सकती है, यानी टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट अकरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिक मस्कुलर स्केलेटल पल्मोनरी या कार्डियोवेस्कुलर, कोई भी वजह हो सकती है। इन इन यहाँ पर कोई डिजीज हुई, इस लेवल पे कोई टिश्यू लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुआ, मस्कुलर स्केलेटल जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चर हो गया, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उसका जो जॉइंट है पूरा मूव नहीं कर रहा, या न्यूरोलॉजिक कोई इसको ब्रेन इंजरी हुई, स्ट्रोक हुआ ठीक, स्ट्रोक हो गया तो उसकी वजह से उसका एक साइड पैरालाइज हो गया, तो उसकी वजह से उसको टेम्परेरी या परमानेंट इम्पेयरमेंट हुई, या पल्मोनरी कोई इसके रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उसकी एरोबिक कैपेसिटी कम हुई, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से वो अब मूव नहीं कर सकता या कुछ इस तरह की चीजें, या फिर कार्डियोवेस्कुलर कोई भी इवेंट हुआ, उसको MI हुआ, माइकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, कोई भी हार्ट डिजीज हुई, उसकी वजह से डिसेबिलिटी हुई, इम्पेयरमेंट हुई, और वो इम्पेयरमेंट आपको फिर जाहिर है कि डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो उसकी तो इस ब्रांच ऑफ मेडिसिन एम्फसाइजिंग द प्रिवेंशन, हमें इनकी प्रिवेंशन करनी है, डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स है। अच्छा फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी आगे आपको समझ में आएंगे कि ये किसको कहते हैं, जब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे लेंगे, दैट इज इवेल्युएशन। हमारे यहाँ इवेल्युएशन कैसे होते हैं, हर फील्ड है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ENT है, आई है, सबका अपना अपना फिजिकल एक हिस्ट्री लेने का तरीका होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो हमारा भी थोड़ा डिफरेंट होता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट में देख लूँ कोई स्लाइड मिस ना हो रही हो। जी अच्छा, गोल क्या होता है कि हमें ओवरऑल एनहांसमेंट करनी है, किन चीजों की, हमें पेशेंट को वी हैव टू मेक हिम एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल विद डिग्निटी, उसका वकार बरकरार रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी आर नॉट दिस फील्ड इज नॉट अबाउट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, इट इज टू इंक्रीज द क्वालिटी इन द ईयर्स ऑफ लाइफ। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है ठीक है। इसमें हमने मैक्सिमाइज करना है इंडिपेंडेंस को, पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए। अब एक पेशेंट है वो चल नहीं सकता, ही इज ऑन व्हील चेयर, ओके ही इज ऑन द बेड, सॉरी ही इज इन इन यानी ही कैन नॉट स्टैंड अप फ्रॉम द चेयर। अब उसको इंडिपेंडेंट करना है, अगर उसको हम व्हील चेयर प्रिस्क्राइब करते हैं, अच्छा हमारा काम बेसिकली रिहैब कंसल्टेंट का ये होता है, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन कंसल्टेंट का, कि वो प्रिस्क्राइब करे, उसकी मैक्सिमाइज करे इंडिपेंडेंस को, तो उसके लिए हम व्हील चेयर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए हम उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, हमारी पूरी रिहैब टीम होती है, हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, और हम एक पूरा उसका प्लान बनाते हैं, प्लान बना के फिर उसको जो है हम उसकी क्या चीज मैक्सिमाइज करते हैं, इंडिपेंडेंस डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब उसमें किस तरह से हम करते हैं, उसको हम फिजिकल मोड से भी करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल भी उसको यानी साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वो भी इसको इसकी इम्प्रूव करता है, मेंटल हेल्थ फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं जो उसकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोई वीकनेस है उसको वापस लेके आना, या एक्सरसाइज के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी वीकनेस को कम करना। अच्छा वोकेशनल से मुराद उसकी कोई जॉब वगैरह है, जो उसने जॉब लूज हो गई है तो उसको उस जॉब के काबिल बनाना, या तो उसकी उसको मॉडिफाई करना, उसको कुछ इस तरह के इक्विपमेंट देना कि वो वही जॉब कर सके, या उसकी जॉब को चेंज करने के लिए उसको ट्रेन करना, और एजुकेशनल उसको एजुकेट करना ताकि वो फिर अपनी क्या बढ़ा सके, इंडिपेंडेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी के साथ वापस कम्युनिटी में जा सके। ये हमारे गोल्स होते हैं
ओवरऑल एनहांस करते हैं हम इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट, रोड मैप टू पीएमएनआर स्पेशलाइजेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये भी बताना जरूरी है, पाकिस्तान में जो मिसपरसेप्शन है कि जी फिजियोथेरेपी को मिक्सअप कर देते हैं फिजियाट्रिस्ट के साथ, फिजियोथेरेपी फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन को वो समझते हैं कि जैसे वो तो पैरामेडिक्स हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए या जो भी हैं, इस तरह के बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग में हैं, कार्डियोलॉजी में हैं, रेडियो रेडियो टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह। तो रेडियोलॉजिस्ट और रेडियो टेक्नीशियंस एक नहीं हो सकते, इसी तरह लैब टेक्नीशियंस और पैथोलॉजिस्ट एक नहीं हो सकते, तो बहुत मिस परसेप्शन है। तो आपको समझना चाहिए कि ये एक फुल फुल फ्लैश इस फील्ड फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स। सबसे पहले पाकिस्तान में, अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जाहिर है कि हम पाकिस्तान से कंसर्न है, दुनिया में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर होना जरूरी है। पहले एमबीबीएस करेंगे आप, फिर एफसीपीएस करेंगे। अभी अलाउड है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन मेडिसिन सर्जरी, किसी दोनों में से किसी में भी अगर आप पार्ट वन कर लें तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। देन जैसे एज लाइक इन अदर फील्ड, 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि अभी बड़े शहरों में मौजूद है। इसकी वजह ये कि आर्मी में काफी है, आर्मी की सीएमएचएस में। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ आईपीएमआर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, ये जो अब एस आईपीएमआर बन गया है जो एसआईयूटी की बैक साइड पे है, वहां पर ट्रेनिंग हो रही है पोस्ट ग्रेजुएट। डाओ में भी इंशाल्लाह, पहले भी थी क्योंकि आईपीएमआर पहले डाओ का ही पार्ट था, अभी थोड़ा सा अलग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी डाओ में भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 ईयर पीएमआर ट्रेनिंग प्लस 4 ईयर रोटेशन। अच्छा, इस जो 4 साल की ट्रेनिंग है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, दो दो साल तो आपको पीएमआर में ट्रेनिंग है और फिर चार, फिर इसके अलावा ट्रेनिंग के साथ साथ रोटेशंस भी हैं। फिर इंटरमीडिएट मॉड्यूल जैसे हर फील्ड में एफसीपीएस में होता है 2 साल के बाद। उसके बाद फिर ये जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, 4 रोटेशन, तो फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आया 2 साल, उसमें पीएमआर ट्रेनिंग तो साथ साथ चलती रहेगी, 2 साल इधर भी 2 साल इधर भी। फिर ये 5 रोटेशंस हैं जिसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर, न्यूरोलॉजी में होती है, मेडिसिन में होती है, ऑर्थोपेडिक्स में होती है, प्लास्टिक सर्जरी मुख्तलिफ होती है। फिर पार्ट टू आप दे देते हैं, इस तरह करके पाकिस्तान में हम इस स्पेशलिटी में चलते हैं। अच्छा, अभी ये आईपीएमआर है जो मैंने आपको बताया, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, अब ये थोड़ा इसकी एफिलिएशन थोड़ा चेंज हो रही है। बहरहाल ये फील्ड पाकिस्तान में लाहौर में भी ट्रेनिंग में हॉस्पिटल में हो रही है, इसके अलावा इस्लामाबाद में, पिंडी में कह लें आपके AFIRM है, आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, AFIRM, वहां पर वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हाउ इज पीएमएनआर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज? आपके जहन में सवाल आया होगा जरूर कि हाउ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन पीएमएनआर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेशलिटी। देखिए, वॉट रिहैब फिजिशियन, हम इसको रिहैब फिजिशियन भी कह सकते हैं, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, फिजियाट्रिस्ट भी कह सकते हैं। रिहैब फिजिशियन और फिजियाट्रिस्ट रेस्टोर्स फंक्शनल एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दोज विद फिजिकल इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी। वही जो मैंने बात की थी, ट्रेडिशनल मेडिकल अप्रोच क्या है, एड्स ईयर्स टू लाइफ, पीएमएनआर इन ट्रू स्पिरिट्स एड्स लाइफ टू ईयर्स। अच्छा, अब जैसे फिजियाट्रिस्ट असेसमेंट है, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम एफआईएम जैसे फंक्शनल इम्पेयरमेंट मेजरमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये काफी यूज होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुख्तलिफ असेसमेंट है फंक्शनल, हम देखते हैं कि पेशेंट की जो है ना मुख्तलिफ चीजें होती हैं और हम उसके लेवल्स देखते हैं कि जो कितना डिपेंडेंट है या कितना इंडिपेंडेंट है, कितनी उसमें डिसेबिलिटी है। इसके 18 पॉइंट्स हैं और इसको बाद में काफी इम्प्रूव भी कर दिया गया, और हम जैसे मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं उसके ऊपर हम जज करते हैं कि पेशेंट का स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, अब इसमें असेसमेंट में हम सबसे पहले जरा हिस्ट्री, हर स्पेशलिटी में होता है पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, जरा रिहैब में जरा डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल हिस्ट्री भी बहुत जोर देते हैं कि उसको कितनी डिसेबिलिटी है उसको हम निकालते हैं हर लेवल पे। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जैसे बाकी फील्ड्स में भी होता है, फंक्शनल असेसमेंट होती है फिर हमारी। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन असल में फंक्शनल असेसमेंट करते हैं हम, उसमें इंपॉर्टेंट है। फिर डायग्नोज करते हैं, फिर हम गोल्स सेट करते हैं कि इसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल है, फॉर्मुलेट अ रिहैब प्लान, फिर हम एक प्रिस्क्राइब करते हैं पूरा कि हम कैसे कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे। देन मेजर आउटकम जो हम एफआईएम के थ्रू हम देखते हैं कि भाई पहले हम उसको एक दफा देख लेते हैं कि भाई ये जब आया था पेशेंट हमारे पास तो इसका स्कोर ये था, जैसे 120 इसके पॉइंट्स होते हैं उसमें से इसका 80 स्कोर था, फिर
फिर बाद में आउटकम में कितना इम्प्रूव करके हम दोबारा स्कोरिंग कर लेते हैं कुछ अर्से बाद, कुछ हफ्तों बाद, इस तरह करके। तो खैर इसके हम डिटेल में नहीं जाते, अभी हम थोड़ा सा इसको टच कर रहे हैं, हम इसके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को असल में देखेंगे क्या होता है हमारी फील्ड में। अच्छा, अब जब हम इवेलुएट करते हैं फिजिकल एग्जाम एंड, तो उसमें हम फिजिकल एग्जाम करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तो हम जाहिर है कि हम भी सीटी स्कैन का सहारा लेते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज होती हैं, ईएमजी, एनसीएस ईएमजी, फिर हम एक्सरेज लेते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें हम करते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम, जैसे अब ये रिमेटाइड हैंड है, इसको हम फिजिकल एग्जाम करते हैं और देखते हैं क्या इस पेशेंट को फंक्शनली क्या डिसेबिलिटी है, क्या फंक्शनली जो है, जैसे अगर फर्स्ट करें किसी को कमजोरी है, कोई आरे, जैसे ये आरे हैंड है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, तो जाहिर है इसको काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो जो काम करने में प्रॉब्लम होगी वो इम्पेयरमेंट इसको ले जो है ना, वो जाहिर है कि डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। हो सकता है ये पेशेंट जो है वो कोई काम हाथ से करता है या कोई जॉब करता है वो ना कर पा रहा हो। इसी तरह किसी को पेन है, जैसे बैक पेन है, या जैसे किसी के रेंज शोल्डर की, इस बंदे की रेंज कम हुई हुई है, मे बी फिर उसको फ्रोजन शोल्डर है क्या है, तो इसकी वजह से इसको मसला हो रहा है, वो हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, या ये पेशेंट चल नहीं पा रहा जो कमर की दर्द की वजह से, तो हम ये एवेल्युएट करते हैं फिजिकली चीजें। इलेक्ट्रोमाइग्राफी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें नर्व्स और मसल्स को देखते हैं, या ये टूल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, और हमारे यहाँ जैसे न्यूरोलॉजी में भी ये इस्तेमाल होता है, और हम लोग भी करते हैं, ये एग्जाम भी हम करते हैं, और नर्व कंडीशन स्टडी के थ्रू हम देखते हैं कि कोई नर्व डैमेज वगैरह या कोई उसकी वजह से कोई वीकनेस, जैसे रेडियल नर्व पैल्सी है, तो रेडियल नर्व ब्रिज ड्रॉप हो जाता है, तो उसकी वजह से आप हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है एवेल्युएशन का, फिजिकल मेडिसिन में यूज होता है, जिसको हम नर्व कंडीशन स्टडी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसको इतना टच करने की जरूरत नहीं, हमारा जो मेन टॉपिक है, हम एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको हमारी फील्ड, कॉमन कंडीशंस कौन सी होती हैं दैट इज बीइंग ट्रीटेड बाय रिहेबिलिटेशन फिजिशियन। जैसे ट्रॉमा और डिजीजेस, दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया इसको, जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, जो ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है, पैराप्लीजिया होता है, क्वाड्रिप्लीजिया भी हो सकता है, यानी फोर लिम्स भी वीक हो सकते हैं, हो सकता है कि पेशेंट व्हील चेयर पे आ जाए, तो इसमें डिसेबिलिटीज होती हैं बहुत सारी, एक पूरी एक समझ लें सब स्पेशलिटी है हमारी फील्ड की, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। फिर एम्पिटेशन हैं, जैसे किसी का, जाहिर है किसी का अगर फर्ज करें कि हाथ कट गया है, या उसका बिलो नी एम्पिटेशन हुई है, अबव नी, एक साइड पे हुई, दोनों साइड पे, तो वो पेशेंट जाहिर है उसकी मोबिलिटी मुतासर होती है, चलने फिरने से माजूर होता है, तो डिसेबिलिटी होती है, अपनी जॉब लूज कर सकता है। मसलन अगर किसी ट्रक ड्राइवर की अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए और उसकी एम्पिटेशन हो जाए, तो वो अपना ड्राइविंग यानी वो अपनी ट्रक को नहीं चला सकेगा, जॉब लूज कर सकता है, तो अगर उसको हम मसनूई, अगर हम उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब दे दें तो वो वापस आ सकता है। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जैसे कि कोई एंकल स्प्रेन है, कोई शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है, स्पोर्ट्स में हमारी मुख्तलिफ इंजरीज होती हैं, इसके अलावा बैक के इंजरीज होती हैं, फिर फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसमें भी डिसेबिलिटी होती है, तो वहां पर हमारा काफी काम होता है। पॉलीट्रॉमा, ये तो पॉलीट्रॉमा का तो जो ट्रॉमा वाले भी डील कर रहे होते हैं, सर्जरी वाले, ऑर्थोपेडिक्स वाले, वहां पर भी हमारा रोल आ जाता है कि हमें रिहैप उसकी करनी है, जब उसका अगर फर्स्ट करें फ्रैक्चर हुआ था और उसकी फिर फ्रैक्चर के बाद उसकी इंटरनल फिक्सेशन हुई है या कुछ तरह, तो फिर बाद में वो आगे कहना चाहिए कि उसकी रिहैब करनी है, उसको चलाना है, उसको वापस लेके आना है, उसको प्रैक्टिस करानी है, पहले उसको केन के साथ और उसकी फिजिकल थेरेपी के साथ, उसकी हो सकता है रेंज नी के आसपास अगर फ्रैक्चर हुआ है, उसकी रेंज खराब हुई है, तो उसकी रेंज को इम्प्रूव करना है। फिर बर्न्स कॉम्प्लिकेशंस, इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं। अच्छा, फिर डिजीजेज हैं, जैसे पेन डिसऑर्डर्स हैं, बैक एक है, नेक एक है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, ये भी बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज से कॉज होती है, और पेशेंट जो है, लोग जो है अपने ऑफिस से दूर हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते सही तरह, चल फिर नहीं पाते, अपना रोल नहीं अदा कर पाते, तो वहां पर रिहैब आ जाती है। हम ऐसे पेशेंट जो पेन होती है उसको हम फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, और फिर वापस उसको देखते हैं 15 डेज 20 डेज के बाद कि क्या इंप्रूवमेंट हुई उसकी, कोई इस पेन को कम करना होता है जिसमें मुख्तलिफ मोडेलिटीज इस्तेमाल होती हैं वगैरह वगैरह। फिर न्यूरोपैथीज हैं, यानी नर्व इंजरीज हैं, जैसे किसी को मीडियन नर्व इंजरी है, किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसमें उसको गेट का प्रॉब्लम आ रहा है, चलने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अलावा कोई जैसे रेडियल नर्व इंजरी है जिसमें रिस्ट ड्रॉप हो गया, अब वो हाथ से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना है, स्पाइनल
वीकनेस को भी कम करना है, और जितनी भी अगर वीकनेस कम नहीं हो रही है तो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना है, चाहे उसको कोई स्प्लिंट दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह की चीजें। स्ट्रोक है, स्ट्रोक में जैसे एक साइड पे वीकनेस हो गई तो उसको फिर जाहिर है कि वो शुरू में चलने फिरने के भी काबिल नहीं है, बोलने के भी काबिल नहीं है, और उठ के भी नहीं बैठ सकता, अपने काम नहीं कर सकता, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कपड़े पहन सकता है। तो उसको फिर वापस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के थ्रू, स्पीच थेरेपिस्ट भी हमारी टीम का हिस्सा होता है, उसके पास हम भेजते हैं, या जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो उसको फिर चलना फिरना, उसको कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उसको वापस लाइफ में लेके आना है, उसकी एक तो सेल्फ यानी खुद ब खुद भी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, और बाकी उसकी इम्प्रूवमेंट को तेज किया जा रहा होता है। फिर आर्थराइटिस है, जैसे जॉइंट के प्रॉब्लम्स है, या फाइब्रोमायल्जिया है। अच्छा, अब हम लोग क्या चीजें यूटिलाइज करते हैं अपनी फील्ड में? हम मेडिकेशंस यूज करते हैं पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंजेक्शंस को यूज करते हैं जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है या ब्लॉक्स हैं, फिर हम फिजिकल मोडेलिटीज जैसे आपने देखी होंगी अल्ट्रासाउंड मशीन्स, इसके अलावा ये सब चीजें फिजिकल थेरेपिस्ट यूज करते हैं, हम उसके पास भेजते हैं, और बहुत सारी मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं जो फिजिकल मोडेलिटीज में यूज करते हैं। यानी इवन अगर एक हॉट पैक यूज कर रहे हैं या कोल्ड पैक, आपको पता होगा इसका, जैसे हम कहते हैं अपनी जबान में कि जी टकोर कर ली, गर्म चीज से टकोर कर ली, ये भी फिजिकल मोडेलिटी में आएगा। हॉट पैक, कोल्ड पैक आपने देखे होंगे। इसके अल्टरासाउंड मशीन्स हैं, बहुत स्पेशल किस्म की अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी होती है, इसके अलावा लेजर थेरेपी भी है, बहुत सारी चीजें फिजिकल मोडेलिटीज हमारी फील्ड में यूज होती हैं। फिजिकल मूड जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में। फिर एक्सरसाइजेस हैं, जो अमूमन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट या एक्सरसाइज थेरेपिस्ट करवा रहे होते हैं, हम उधर भेजते हैं। किसी जॉइंट की रेंज को बढ़ाने के लिए, पेन को कम करने के लिए भी हैं चीजें, कुछ तरीके हैं, स्ट्रेचिंग्स हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज से उसकी वीकनेस को खत्म करना, ठीक है। फिर एजुकेशन फॉर पेशेंट, नहीं फिर पेशेंट को एजुकेट कर, देखिए एजुकेशन तो हर मेडिसिन की हर फील्ड में पेशेंट को एजुकेट तो करना है, नर्सेस भी करती हैं, पैरामेडिक्स भी करते हैं, और डॉक्टर्स भी करते हैं। चलिए, ये आपको मैंने हमने बता दिया है, दोबारा स्लाइड आ गई, कि हमारा गोल ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं ओवरऑल डिग्निटी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थ्रू फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल वोकेशनल एंड एज एजुकेशनल मोड्स। अच्छा, पेशेंट मैनेजमेंट की जो सेटिंग्स हैं वो दो तरह की हो सकती है, जाहिर है ये तकरीबन इसमें जो है इन पेशेंट भी हो सकती है और आउट पेशेंट भी हो सकती है, ठीक है। आउट पेशेंट तो वही ओपीडीज हो गई, और इन पेशेंट यानी वार्ड्स में आप एडमिट करते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क, हमारे यहाँ जो कोर ऑफ रिहेबिलिटेशन है वो ये है कि हम टीम वर्क होता है, और हम एक रिहैब टीम होती है, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन टीम, उसके तहत हम काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ अप्रोचेस हो सकती है, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी। तो आमतौर पर हम मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करते हैं, एवरी टीम मेंबर प्लेइंग अ डिस्टिंक्ट रोल। अच्छा, इसको आगे देखें, रिहेबिलिटेशन टीम के मेंबर्स क्या हो सकते हैं? वैसे तो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे उसमें, अगर फर्ज करो कोई कार्डियक रिहैब हम कर रहे हैं किसी के, तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारी टीम का हो सकता है मेंबर। लेकिन बेसिकली क्या होता है, आप देखें फिजियाट्रिस्ट यानी फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट इज इन द मिडिल, उसके साथ आप देखें फिजियोथेरेपिस्ट हमारी टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, स्पीच थेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन नर्स अगर जैसे इन पेशेंट कोई है तो रिहेबिलिटेशन नर्स, फिर ऑर्थोटिस्ट जो कि ये मुख्तलिफ ऑर्थोसिस ये आगे आप पढ़ेंगे, पूरा एक सेक्शन है इसका, एक लेक्चर है, ऑर्थोसिस यानी जो स्प्लिंट वगैरह होते हैं, फिर प्रोस्थेसिस जैसे मसनूई आजा जो होते हैं, फिर प्रोस्थेटिस जो है वो बनाता है, ऑर्थोटिस जो है वो चीजें बनाता है जो स्प्लिंट्स वगैरह जैसे कॉकअप स्प्लिंट, इस तरह की चीजें, और पेन कम करने के लिए मुख्तलिफ आर्थराइटिस में चीजें और मुख्तलिफ इक्विपमेंट बनाता है टू इम्प्रूव द फंक्शन। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर जो कि जो इसमें डिप्रेशन का एलिमेंट होता है, जो डिसेबल हो जाते हैं पेशेंट तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के उनको इम्प्रूव कराना, और सोशल वर्कर जो है, जी ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल थेरेपिस्ट जो कि इनकी जॉब सेट करता है, अगर कोई डिसेबिलिटी आ गई और आपने जॉब लूज कर दी तो या तो नई जॉब के लिए ट्रेन करेगा। इसके अलावा जनाब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि ज्यादा हैंड फंक्शन पे काम करता है, क्योंकि देखें फंक्शनली हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर
आपका हैंड फंक्शन लूज होता है तो आप जॉब भी लूज कर देते हैं, बहुत सारे काम आप नहीं कर पाते, घर के काम नहीं कर पाते, एक्टिविटीज सिंपल, आप ईटिंग आपको जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की चीजें, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा स्पीच थेरेपी, अच्छा जी ये आपकी टीम मेंबर्स हैं, इसको हम रिहैबिलिटेशन टीम है और इसके थ्रू हम काम करते हैं। अच्छा, अगर आप सबको आवाज आ रही है, मैं एक मिनट थोड़ा सा रुक रहा हूँ कहीं। ठीक है, आप अपने स्पीकर्स ऑन रखिएगा। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के माइक्स अनम्यूट हैं, इन लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, इन लोगों को आवाज नहीं। ठीक है, बस ये मुझे पूछना था। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो किधर आएगा ये? अच्छा ठीक, सही, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, मैंने अभी कहा था मुख्तलिफ, ये पिछली स्लाइड में था ना कि मैंने चैट रिहैबिलिटेशन, ऑन कर दिया, कोई क्वेश्चन करेगा तो आ जाएगा आपके पास। अच्छा लेकिन अभी क्वेश्चन मैं लूंगा आखिर में, अभी थोड़ा सा रुक जाए। ठीक चले ओके, है, या एक मिनट, कितने पार्टिसिपेंट हैं? पार्टिसिपेंट कम है, 48। वैसे होने ज्यादा चाहिए, दोनों क्लासेस जी हैं, दोनों साइड, दोनों साइडें जी कनेक्टेड हैं। अच्छा जी चलें, थोड़ी देर स्पीकर जो है वो चंद मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए, 5 मिनट के बाद बंद कर दीजिएगा, फिर हम आखिर में 10 मिनट का वक्फा रख लेंगे सवालात का। ठीक सही है, है। ठीक है। अच्छा जो टीम वर्क है हमारा, अच्छा भाई आप में से किसी ने अगर रिहेबिलिटेशन टीम तक कोई सवाल करना है तो कर लें, अभी 4-5 मिनट हैं, फिर हम दोबारा आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, आप लोगों की आवाज मुझे आ रही है, आप अपना तारुफ कराएं और फिर सवाल कर सकते हैं। जी किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा ये इंटर डिसिप्लिनरी टीम क्या अप्रोच होती है? अच्छा, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, शायद कोई सवाल करना चाह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जी एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर ले। चलें, अच्छा अब इंटरडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है? मेडिकल प्रोफेशनल्स इसमें जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच हम अमूमन यूज करते हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर भी आ सकता है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, साइकेट्री। हम एक मिसाल के तौर पर भी ले रहे हैं, जरूरी नहीं है टीम चेंज भी हो सकती है, लेकिन अमूमन ये हमारे पास जो पेशेंट्स का बल्क आता है वो न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी और जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी से आता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये टीम मेंबर्स हैं, अब हम आपस में जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, हम पेशेंट को इधर भेज रहे होते हैं, वो हमारे पास भेज रहे होते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा आप लोग अगर सवाल करें, थोड़ी सी स्लाइड्स, इसमें हम बच्चों के साथ भी डील करते हैं, यानी पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन पे भी एक आई होप के एक लेक्चर है आगे, हम आपको बताएंगे कि बच्चों में क्या डिजीजेस होती हैं, तो बहरहाल ये कुछ एक्टिविटीज दिखा रहे हैं बच्चों के, यानी स्पेशल ये स्लाइड्स, वैसे ही बीच में हमने इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक्स थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज हैं। ओके, हु कैन वी हेल्प, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम असल में किस फील्ड में किस किन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, किन पेशेंट्स को बेसिकली, तो ये एक लिस्ट है, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हम बहुत कॉमनली हमारे पास एम्प्यूटीज आते हैं जिनके हाथ पैर जैसे किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट से या किसी डिजीज की वजह से हाथ पाँव जो है ना वो एम्प्यूटेट हो गए, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको डील करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, वी प्रिस्क्राइब यानी उनको हम अपर लिम लोअर लिम जो है प्रोसेसेस प्रिस्क्राइब करते हैं, आपने प्रोसेसेस देखे होंगे। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोसेसेस फिटिंग हो रही है, तो हमारे टीम में एक प्रोस्थेटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वह
हम उनके पास भेजते हैं एंड वो जो है फिर सारा मेजर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं कि स्टम्प रेडी है, और उसके बाद इसके ऊपर भी प्रोसेस के ऊपर भी लेक्चर है, हम इसको डिस्कसिंग करते हैं। आर्थराइटिस है, फिर जैसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पैल्सी है, फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरीज है, स्ट्रोक है, मस्कुलर स्केलेटन पेन पेन सिंड्रोम लाइक लो बैक एक, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कार्डिक रिहेबिलिटेशन, क्रॉनिक पेन, ये सब हम डील करते हैं। ये हम पहले भी एक स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, इसको बाद में हम देखते जाएंगे वन बाय वन। फिर प्रॉब्लम लिस्ट हम बनाते हैं, जब पेशेंट आते हैं तो एक प्रॉब्लम लिस्ट बनाते हैं, जैसे भाई इसमें क्या है, इसके साथ न्यूरोलॉजिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, उसको प्रॉब्लम है उसकी, हम यानी यूरोलॉजी, मैंने जो एक पॉइंट दिया था कि यूरोलॉजिस्ट के साथ भी कंसर्न करते हैं हम, तो इसमें हो सकता है कि ब्लैडर में बहुत ज्यादा या तो एटोनिक ब्लैडर हो या फिर हाइपर एक्टिव ब्लैडर हो, वो सारी चीजें हम असेस करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या इसके साथ मेल न्यूट्रिशन है, इसको खाने पीने में प्रॉब्लम है, डिस्पेज या वेंटिलेशन में यानी इसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है या पेन है, स्किन ब्रेकडाउन है, कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, और गेट डिसफंक्शन है, चलने में प्रॉब्लम है, सीजर्स हैं, डिप्रेशन है, इसको नींद में प्रॉब्लम है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, रेडिकुलोपैथी, कोई नर्व इंजरी यानी कि नर्व नर्व पेन हो रहा है, स्पास्टिसिटी, या फिर इसके स्पास्टिसिटी को कॉन्ट्रैक्चर है बना हुआ है कोई जॉइंट, इसके अलावा कोई इम्पेयरमेंट है, कोई परमानेंट इम्पेयरमेंट है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर सम सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं, यानी कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या मेल न्यूट्रिशन है, डिस्पेजिया है, मैं ये जो अच्छा ये तो वही चीज दोबारा रिपीट होगी, इसका मेरे ख्याल से हमारे लेक्चर से इतना ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, ये रिपीट हुई हुई है। हाँ यस, अच्छा अब आप वापस जो मेन आपके वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है आज का जो टॉपिक है, ये हम आप क्विकली इसको देखेंगे और उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप होता क्या है, क्या ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, किसी को कोई है, अगर आपका स्पीकर ऑन है, अच्छा ठीक है, हम आखिर में क्वेश्चंस आंसर लेंगे, आप स्पीकर ऑफ कर दें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इम्पेयरमेंट, व्हाट इज डिसेबिलिटी, व्हाट इज हैंडीकैप, मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि देखें, एक पेशेंट आया, उसको एक रेडियल नर्व इंजरी हुई, ओके, अगर रेडियल नर्व इंजरी हुई तो क्या होगा, ये एक डिजीज है एट द लेवल ऑफ द टिश्यू, उसका रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, अब रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा तो जो काम वो नहीं कर पा रहा हाथ से, तो वो चीज इम्पेयरमेंट्स विल लीड टू डिसेबिलिटी, अब यानी ड्यू टू डिजीज दैट इम्पेयरमेंट, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू यूज हिज हैंड, दिस इज डिसेबिलिटी, कि वो काम नहीं कर पा रहा, जैसे वो टाइपिंग नहीं कर पा रहा मिसाल के तौर पर, और इस टाइपिंग की वजह से उसका वो उसकी जॉब ही टाइपिस्ट की थी, and he loses his job in the society, अब वो अपना रोल नहीं अदा कर पा रहा, तो हैंडीकैप, इंटरचेंजेबल है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी डिसेबिलिटी आपकी इम्पेयरमेंट को बढ़ा रही होती है, और हैंडीकैप कभी आपकी डिसेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है, कभी डिसेबिलिटी आपकी हैंडीकैप को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। या जैसे एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं व्हील चेयर के साथ, वहां पर सीढ़ियां तो हैं लेकिन रैम्प नहीं है, रैम्प से आप ठहर के व्हील चेयर को ऊपर ले जाएंगे, तो वो कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम की वजह से आपका हैंडीकैप बढ़ जाएगा, आप वहां पर व्हीलचेयर अंदर नहीं ले आ सकते शॉपिंग मॉल के अंदर, तो एटीट्यूड जो है ना वो भी फर्क डाल सकता है, तो ये इंटरचेंजेबल है, ये सारे जो है इंटरचेंजेबल है। व्हाट इज इम्पेयरमेंट, चले हम इसकी डेफिनेशन, कोई भी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, इवन यहां मैं साइकोलॉजिकल भी ऐड कर देता हूँ, कुछ लोगों को अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इम्पेयरमेंट में शुमार होगी, यानी कोई फिजिकल हो या स्ट्रक्चरल हो प्रॉब्लम, कोई भी, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम नर्व ड्रॉप हो गया, नर्व इंजरी हो गई, वीकनेस हो गई, पेन हो गई, ये सब फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ओके। और डिसेबिलिटी क्या है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि आपका हाथ जो है कमजोर हुआ, या आपके एम्पिटेशन हुई, अब नाउ यू कैन नॉट वॉक, दैट इज अ डिसेबिलिटी। इफ अ ड्राइवर है, उसने अपनी एक लिंब उसका लॉस हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट और समथिंग, now he is not able to drive the truck,
एंड ही मे बी लूजिंग हिज जॉब जॉब बिकॉज ऑफ लूजिंग हिज लिम एंड ही कैन नॉट, बट अगर हम उसको रिहेबिलिटेट करें, उसको हम आर्टिफिशियल लिम दे दें और वो इम्प्रूव कर जाए, वॉक करना शुरू कर जाए, तो उसकी डिसेबिलिटी कम हो गई, उसका हैंडीकैप भी कम हो जाएगा. तो ये इंटरचेंजेबल है. हैंडीकैप इज वॉट इनएबिलिटी टू परफॉर्म और फुलफिल, अनएबल टू मीट अ सोसाइटल रोल एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी. आपने लूज कर दी जॉब, तो आप सोसाइटी में, हो सकता है सोसाइटल लेवल पे रोल ना अदा कर सके. आपकी कमाई खत्म हो जाए. अब आप घर के लिए कमा रहे थे, यू आर अर्निंग फॉर योर हाउस होल्ड, और एंड यू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी. एंड वॉट कॉज दैट डिसेबिलिटी, दैट इम्पेयरमेंट और द प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द टिश्यू लेड टू डिसेबिलिटी, एंड दैट डिसेबिलिटी लेड टू हैंडीकैप. मेरे ख्याल है आपको पॉइंट समझ में आया होगा. चलें ये देखें, रेडियल नर्व इंजरी हुई, रिस्ट ड्रॉप हुआ. अब आप बताइए इसमें क्या हो सकता है. इम्पेयरमेंट क्या है इसकी? रिस्ट ड्रॉप. हैंडीकैप इसमें डिसेबिलिटी क्या होगी इम्पेयरमेंट की वजह से? ही कैन नॉट यूज हिज हैंड, ये डिसेबिलिटी होगी. और इस क्योंकि ये रोल नहीं अदा कर पा रहा, मे बी इसने अपनी जॉब लूज कर दी, इसने इम्प्रूव नहीं किया फंक्शनली, तो हैंडीकैप हो गया. उसके मालिक ने कहा कि जाओ भाई आप, मैं किसी और को रखता हूँ तुम्हारी जगह, तुम तो टाइप ही नहीं कर सकते. एक छोटी सी जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिसाल दे रहा हूँ. एक बैंकर है, वो अपनी लूज कर सकता है जॉब किसी वजह से, तो उसका काम सारा का सारा कंप्यूटर पे है. मिसाल एक मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत जगह पे यूज सकती है ये मिसाल, इससे मिलती जुलती लोअर लिम में अलग तरह. अब जैसे आप इन देखें, ये चीज आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएगी. टर्म डेफिनेशन एग्जाम्पल. डिजीज सिकनेस डेफिनेशन क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, और एग्जाम्पल क्या है. जैसे इम्पेयरमेंट मसलन डिजीज सिकनेस, जैसे रेडियल नर्व पैल्सी है, ठीक है, एग्जाम्पल ये है इसकी. अगर डिजीज है तो क्या है? रेडियल नर्व पैल्सी. इम्पेयरमेंट अगर है तो फिजिकल एनाटॉमिक या साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, तो क्या हो सकता है इसमें? इम्पेयरमेंट क्या है इसमें? इसमें इम्पेयरमेंट फिजिकल है, दैट इज रिस्ट ड्रॉप. अच्छा, साइकोलॉजिकल नहीं है यहाँ पर, हो सकती थी एनाटॉमिक फिजिकल, तो यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप है. रेडियल नर्व पैल्सी लेड टू इम्पेयरमेंट, रिस्ट ड्रॉप. डिजीज क्या है? रेडियल नर्व पैल्सी. इम्पेयरमेंट क्या कॉज कर रहे हैं? रिस्ट ड्रॉप. डिसेबिलिटी क्या हो रही है? लॉस ऑफ फंक्शन. ये इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में फंक्शन इंपॉर्टेंट है. जहां फंक्शन कम हुआ वहां डिसेबिलिटी बढ़ी, हमने फंक्शन को इम्प्रूव करके वापस पेशेंट को लेके आना. अच्छा, अब इसकी डिसेबिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू राइट, ये भी तो हो सकता है. लिख ही नहीं पाएगा. फिर हैंडीकैप क्या हो सकता है? लॉस ऑफ रोल इन सोसाइटी. हो सकता है ये लूज हिज जॉब एज एन आर्टिस्ट. एक आर्टिस्ट है, उसकी रेडियल नर्व पैल्सी हुई, तो उसको रिस्ट ड्रॉप हुआ, उसने लिखना, उसका उसकी राइटिंग खराब हुई, या उसने जो मुसवरी करता था या वो जो बनाता था, वो आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता था, वो लूज हुआ और उसने अपनी जॉब ही लूज कर. तो क्या हुआ? डिजीज से इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से हैंडीकैप. इधर देखें, रेडियल नर्व पैल्सी से रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप से इनएबिलिटी टू राइट और मुसवरी वगैरह और पेंटिंग, एंड ही लॉस्ट हिज जॉब. मेरे ख्याल है इस मिसाल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा. अब आप इम्पेयरमेंट की असल डेफिनेशन ले लें, कंप्लीट फुल डेफिनेशन. अगर आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख लें या समझ लें. इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एनी टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम. मसलन वो ये भी हो सकता है, किसी ने अपनी बीनाई चली गई किसी के, he has become blind, अब now he cannot, he is developed a disability. Tissue level पे उसका ये हुआ, और मतलब organ level पे हुआ, या system level पे हुआ, किसी का heart सही काम नहीं कर रहा, system level पे भी हो सकता है, ठीक है. तो psychological भी हो सकता है, किसी को अगर depression है उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, या किसी को cognitive problem है, समझ नहीं पा रहा वो, ठीक है, या किसी को listening में problem है, किसी के जो है comprehension में problem है. Now he cannot fulfill his role at the level of the society. ठीक है, अगर किसी को समझ ही नहीं है तो वो तो अपने पैसे भी नहीं गिन सकता ना, तो उसका उसको disability तो होगी ना. Then impairment is, इसको एक और तरह से कैसे, dysfunction of a body part, not the whole person.
अच्छा आप देखें, इम्पेयरमेंट अभी किस लेवल पे है, बॉडी पार्ट लेवल पे, ठीक है ना। ये नहीं है कि हो सकता है कि सिर्फ हाथ का हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ, मतलब एज अ यानी होल नहीं, एज अ पर्सन नहीं, डिसेबिलिटी जो है ना वो एट द लेवल ऑफ द पर्सन होती है, ठीक है। फंक्शन आपका एक हाथ से आपने काम करने से मुतासिर हुआ या पाँव आपका मुतासिर हुआ, तो इम्पेयरमेंट अभी बॉडी पार्ट के ऊपर है, पूरी यानी कि होल पर्सन के ऊपर। जो डिसेबिलिटी का लफ्ज है वो होल पर्सन के ऊपर इस्तेमाल होगा। देखिए अगले इसमें, दैट इज ये है जनाब डिसेबिलिटी, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। ये डेफिनेशन अगर आप चाहें तो देख लें, समझ लें, लिखना चाहें तो लिख लें। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बींग। यानी ये थोड़ा सा उन्होंने उसको समेटा है या फैलाया है डेफिनेशन को, जो रिस्ट्रिक्शन अकर हो रही है उस इम्पेयरमेंट से, वो एबिलिटी जो आप नहीं कर सकते, दैट इज डिसेबिलिटी। आप देखें रिलेशनशिप, इसको थोड़ा देख लेना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी इज पॉलीफैक्टोरियल एंड बाय डायरेक्शनल। द इनएबिलिटी टू वॉक क्या है, डिसेबिलिटी है, हो सकता है। देखें ये पेशेंट है, इसकी एम्पिटिशन हुई थी, अब ये मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं कर सकता था, ये अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकता और चल नहीं सकता था। इनएबिलिटी टू वॉक और डिसेबिलिटी मे लीड टू मसल वीकनेस एंड कॉन्ट्रेक्चर्स इम्पेयरमेंट, हो सकती है ना। और उसके बाद डिसेबिलिटी के बाद हैंडीकैप, हैंडीकैप इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल, सॉरी हैंडीकैप इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और अ डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स, सोशल एंड कल्चरल। ये नहीं कि एक बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे वो ऑफिस में होगा, एक फीमेल जो है वो कोई काम नहीं, एक मेल है, फीमेल है, सोशली बहुत यानी कि जो सोशल एक सेटअप है उसमें एक बंदा एक काम नहीं कर सकता तो वो हैंडीकैप होगा, दूसरी सोसाइटी में हो सकता है वो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो हैंडीकैप क्या होगा कि डिसएडवांटेज, एक बंदा जो है उसने अपना एक बीमारी की वजह से, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उस जो है ना उसकी स्टेंटिंग हुई, स्टेंटिंग के बाद उसको वापस रिहेबिलिटेट नहीं हुआ और वो अपनी जॉब पे ना जा सका और उसने अपनी जॉब लूज कर दी। सपोज वो एक एयरलाइन में वो मैनेज करता था चीजें, वहां पर वो काम नहीं कर पा रहा किसी भी जॉब में था, तो वो उसको ये हैंडीकैप होगा कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको फायर कर दिया कि जी आप काम नहीं कर सकते। अगर वो अच्छी तरह रिहेबिलिटेट होता तो हो सकता है वो उसी जॉब में वापस आ जाता। यह हमारी फील्ड में ये होता है कि उसको डिफरेंट जॉब की तरफ ले जाते हैं जो उसकी कैपेसिटी हो। अच्छा, हैंडीकैप को नीचे बताया, इज ड्यू टू एन एक्सट्रिंसिक लिमिटिंग फैक्टर, यानी अंदर का नहीं, इंट्रिंसिक तो ये हो गया ना कि आपको डिजीज हुई, डिसेबिलिटी है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होगा, और अ फैक्टर इन द एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी दैट लिमिट्स फंक्शन और द अनविलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेक अ नेसेसरी आर्किटेक्चरल मॉडिफिकेशन। अब वो जो एक पेशेंट, एक बंदा था, एक जॉब कर रहा था, वो व्हीलचेयर पे आ गया, लेकिन जो आप एम्प्लॉयर है, जो आपका ऑफिस का मालिक है, वो एक मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो रैंप नहीं बना के दे रहा है कि वो व्हीलचेयर अंदर ले जाए, या उसको क्या मजबूर कर रहा है कि नहीं आप खड़े होकर काम करें। अब वो बैठ के काम कर सकता है वहां पर कंप्यूटर के ऊपर और आ सकता है, लेकिन उसकी चाह ही नहीं रहा मालिक के उसको वापस ले, तो ये भी एक तरह से हैंडीकैप है। तो ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक शॉपिंग मॉल में मैंने आपको बताया था रैंप नहीं है, सीढ़ियों से आप कैसे व्हीलचेयर लेके जाएंगे, तो ये एक हैंडीकैप हो गया ड्यू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह जदीद दुनिया में और अब हर जगह पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, रेलिंग्स होनी चाहिए जिसको पकड़ के एक बूढ़ा बंदा, एक माजूर बंदा आराम से एक जो है ना ऊपर जा सके, सीढ़ियां चढ़ सके और दाखिल हो सके बिल्डिंग में कहीं भी। देखेंगे क्या लिमिटिंग फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि इस ये बंदा चल नहीं सकता, ही कैन नॉट वॉक, सो ही यूजेज अ व्हील चेयर, तो इसकी इम्पेयरमेंट ने इसको डिसेबिलिटी क्या हुई, कैन नॉट वॉक। अब बताएं एक्सट्रिंसिक फैक्टर ये कि सामने सीढ़ियां हैं, अगर यहाँ पर एक रैंप होती, एक ढलान बनी हुई होती तो आराम से व्हील चेयर से ऊपर ले जा सकता था। तो जो लिमिट कर रही है इसको, जो इसकी डिसेबिलिटी को बढ़ा रही है बल्कि इसकी हैंडीकैप को इंक्रीज कर रही है, इट इज लिमिटिंग फैक्टर इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर ये थे जिसकी वजह से इसको मसले आए और इम्पेयरमेंट ने डिसेबिलिटी की तरफ लेके गया, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर ये, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक ये ब्लाइंड है, इसके पास एक छड़ी है, ये पूछ रहा है कि क्या कोई बता सकता है कि मैं पासपोर्ट ऑफिस कैसे जाऊं,
अब ये एक तरह से इसकी डिसेबिलिटी है और इसको कोई गाइड नहीं कर रहा, या कोई कोई ऐसी चीज हो सकता है कि कोई मैप हो, कोई ऐसी चीज हो जो इसको मदद कर सके, या कम से कोई आवाज आ रही हो कि तुम ऐसे करो, इधर मुड़ जाओ, राइट लेफ्ट चले जाओ, कोई एक छोटी सी मशीन लगी हो, तो वो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ जा सकता था। अब आप ये देखें, ये कितनी छोटी सी एक मॉडिफिकेशन से ये खातून है शॉपिंग कर रही है, इन्होंने एक ऐसी वॉकर यूज कर रही है जिसमें व्हील्स हैं आराम से, और यहाँ पर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की है और इन्होंने अपना सामान यहाँ रख लिया, अब इन्हें उठाने की जरूरत नहीं, आराम से वो शॉपिंग मॉल में घूम रही है। अब आप ये देखें, ये पेशेंट जो है ये स्पोर्ट्स के लेवल तक चला गया, यानी ही हैज बीन वेरी वेल ट्रेन्ड, वेल रिहेबिलिटेटेड, ही इज एम्प्यूटी। इसके अब टांगे जो हैं, ये एम्पुटेशन हुई भी है, इसके बावजूद ये देखें इसने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, और इसके लिए मॉडिफाइड व्हील चेयर बनाई गई, और ये स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में कामयाबी के साथ यानी वापस अपनी एनवायरमेंट सोसाइटी में चला गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये एक चीज और समझ लीजिए आखिर में, ये देखें ये इम्पेयरमेंट है, ये जो ब्लैक रंग की चीज है, ये एट द लेवल ऑफ द ऑर्गेनिक टिश्यू है, दिस इज इम्पेयरमेंट। फिर एक और सर्कल है, दैट इज डिसेबिलिटी एट द लेवल ऑफ द पर्सन। ये आपको समझ में आ रहा है कि जो इम्पेयरमेंट है इज एट द लेवल ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू होती है, डिसेबिलिटी एट द लेवल ऑफ द होल पर्सन होती है, और व्हाट इज हैंडीकैप, इट इज एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी। ये एक और सर्कल देखें, WHO डेफिनेशन से हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, और लेवल्स क्या है, हैंडीकैप इज एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, डिसेबिलिटी एट द लेवल ऑफ अ होल पर्सन ऑर्गन और टिश्यू, इम्पेयरमेंट एट द लेवल ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। अच्छा, अब इसीलिए हम रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में हम इस लेवल पे काम करते हैं, या होल पर्सन, हमारी जो अप्रोच होती है हॉलिस्टिक होती है, कि हम ऑर्गन और टिश्यू को नहीं करते, हम उसको भी देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच होती है एट द लेवल ऑफ द पर्सन उसको इम्प्रूव करें, एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी उसको वापस लेके जाएं कम्युनिटी में, रीइंटीग्रेट करें। इफ एन इम्पेयरमेंट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एट द टिश्यू और एन ऑर्गन लेवल, एंड डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एट द होल पर्सन लेवल, देन हैंडीकैप रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एट द एनवायरमेंटल एंड सोशल लेवल। देखें, आखिर में मैं ये बात कहूंगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप आर रिप्लेस बाय मोर पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अब हम ये कहते हैं इम्पेयरमेंट को हेल्थ स्टेटस, ताकि थोड़ा इतना बुरा ना लगे, और इसको अच्छा, अच्छे वर्ड्स को यूज करने के लिए हमें अब मोटिवेट किया जाता है, और हम इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी को कहते हैं, यानी कि जो फंक्शनल प्रॉब्लम होती है हम कहते हैं फंक्शनल एबिलिटीज, बजाय हम कहेंगे डिसेबिलिटी, हम कहेंगे भाई फंक्शनली थोड़ा एबिलिटीज की कम है, ठीक है। और सोशल पार्टिसिपेशन, हम हैंडीकैप को ये कहते हैं कि भाई सोशली ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, एट द लेवल ऑफ द एनवायरमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो हम हैंडीकैप को और यानी एक अच्छे लफ्ज में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन कह देते हैं, डिसेबिलिटी को फंक्शनल एबिलिटीज कह देते हैं, और इम्पेयरमेंट को हेल्थ स्टेटस कह देते हैं। द नेक्स्ट टू लेवल्स रिफ्लेक्ट यूजुअल ब्रॉड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अच्छा, इसके बाद दो लेवल्स और हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हम बाद में इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ADLs या activities of daily living are defined by the task, e.g. typing, typing ADL हो सकता है, rather than region, यानी hand function की बात नहीं करें, हम ADL की बात कर रहे हैं, हम typing की बात कर रहे हैं direct, हम एक function की बात कर रहे हैं, या हम eating की बात कर रहे हैं खाने की, या हम dressing की बात कर रहे हैं हाथों से कपड़े पहनने की, हम hand function की बात नहीं करेंगे, direct हम अगर ADL कहेंगे तो हम किसी function पे जा रहे होंगे, यानी sorry किसी activity पे जा रहे होंगे, जैसे ADL में यहाँ तक कि driving भी इंस्ट्रूमेंटल ADL में शामिल है, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में शामिल है, क्योंकि हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पर भी, पाँव भी हो रहे हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू हैव नो आर्म्स एंड नो टाइप विद विद वंस फीट, यानी एक एक इंसान के हाथ नहीं है, आप देखें, अब हम इसको एक ये भी देख लीजिए आप, एक बंदे के हाथ नहीं है लेकिन वो पाँव से टाइप कर सकता है, तो यानी डिसेबिलिटी किसी भी लेवल पे कम हो सकती है, और हम ये नहीं कह सकते कि हम टास्क से अगर बात कर रहे हैं तो हम टाइपिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाथ से हो जाए चाहे वो पांच से हो जाए, ठीक है। थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब आपके पास 5 से 10 मिनट हैं, आप लोग सवाल करना चाहें तो कर लें। एडमिन एडमिन जरा स्पीकर ऑन करें, कोई अगर सवाल करना चाहें तो ये लोग कर लें।
अच्छा यहाँ पर किसी की आवाज नहीं आ रही। मैं अच्छा आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे तो हाथ उठा ले, तो मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ, अब इंडिविजुअल कर देता हूँ। अगर कोई सवाल आपको हैंड रेस करेंगे तो मैं वहाँ अनम्यूट कर दूंगा। मेरे ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे से कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पांच से 10 मिनट। हेलो, कोई आप आवाज सुन सकते हो एडमिन? बजात आप आवाज सुन सकते हैं मेरी? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अच्छा, ये कोई सवाल नहीं कर रहा है या इनको आवाज नहीं आ रही? चैट में सवाल कर रहे हैं तो इनसे ऐसे करें, आप स्पीकर ऑन कर दें। अच्छा इनसे कहें कि चैट में नहीं, इनको आप लोग जी आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जिसको सवाल करने करें क्विकली, फिर मैं 5 मिनट में बंद करूंगा। आप अपने माइक ऑन करें। हाँ मुझे ऐसा तो नहीं कि मैं अनम्यूट करूंगा, कुछ मसला तो नहीं है ऐसा? अच्छा सर अगर वी किसी कैन को अनम्यूट। जी, हाँ आ गई आवाज आपकी। जिसको किसी को सवाल करना है क्विकली कर लीजिए। जी जी बोले आप, चाहें तो इंट्रोड्यूस करा दें, नहीं तो फिर सवाल कर लें डायरेक्ट। अगर किसी को सवाल करना है तो कर सकते हैं। जी बोले। जी ऐसा करें, अभी असल में टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें, कोई बात नहीं, सब सुन लेंगे। जी बोले। आपका सवाल है कि फिजियोथेरेपी एक सेपरेट फील्ड? अब ये पूछ नहीं, देखें आप मिक्सअप नहीं करें फिजिकल, मैं बताता हूँ, मिक्सअप ना करें। शुरू में मैंने बताया था, जैसे एक पैथोलॉजिस्ट होता है और एक लैब टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन पैरामेडिक होता है, इसी तरह रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियो टेक्नीशियन होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट है ना कि रेडियो टेक्नीशियन होता है पैरामेडिक, या नर्सेज जो है पैरामेडिक्स में आते हैं, ठीक है? तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पैरामेडिक्स हैं। ये जो फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन या फिजियाट्रिस्ट जो है, ये तो पहले एमबीबीएस करेंगे, फिर FCPS करेंगे, उसके बाद हम तो डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली, ये फर्क है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? थोड़ा सा ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए बीच में कहीं पर एक स्लाइड में मैंने बताया भी था, ठीक है? इसको बिल्कुल मिक्सअप। जी बोले बोले। सर अगर हम ओवरऑल देखें तो हर फील्ड से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, तो अगर हर डॉक्टर हर कंसल्टेशन जो है वो अपनी अपने तौर से एक होलिस्टिक अप्रोच रख रही है,
तो उसके अंदर क्या है, फिजियाट्रिस्ट के रोल को कवर नहीं कर लिया जाएगा? देखें देखें, होलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल होती है, लेकिन होलिस्टिक देखें, हमारी अप्रोच जो है ना, एट द लेवल ऑफ द पर्सन है बेसिकली। ये नहीं है कि हम डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे, एक पेशेंट आता है तो हम उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो उसके फ्रैक्चर को हील कर रहे हो, हील करने के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। उसकी अप्रोच भी एट टू सम एक्सटेंट आपका सवाल सही है कि होलिस्टिक है, लेकिन हम उसकी डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं, हम उसके फंक्शन को देख रहे हैं, हम देखें कि फंक्शनली वो कितना, हम एवेल्युएशन वाले पोर्शन में देखेंगे कि हम फंक्शन पे कितना जोर देते हैं, फंक्शन उसका कितना कम हुआ जिसकी वजह से वो रोल अदा नहीं कर पा रहा, उसकी डिसेबिलिटी को हम कम करते हैं एट द लेवल ऑफ द पर्सन, फिर हम उसकी हैंडीकैप को कम करते हैं एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, उसको ब्रेड अर्नर बनाते हैं। हो सकता है उसने अपनी जॉब लूज कर दी हो, घर में वो मूव ना कर पा रहा हो, वो हक ना अदा कर पा रहा हो अपने वालदेन का, बहन भाइयों का, बच्चों का, तो वो उसको वापस लेके जाते हैं। तो इट इज व्हाट इम्प्रूविंग, अगर हम रिहैब को बिल्कुल एक लाइन में बोलें, इट इज टू इम्प्रूव द फंक्शन एंड री इंटीग्रेट दैट पर्सन टू बैक बैक टू द कम्युनिटी। तो अपने उस इसकी अप्रोच होलिस्टिक है, अवर अप्रोच इज नॉट एट द लेवल ऑफ द ऑर्गन। एक पेशेंट बिल्कुल जो है ना, वो व्हील चेयर पे आ जाता है और वो उसको मेडिसिन सर्जरी सब कुछ वहां पर एंड हो जाता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे भी हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं कि हम कहते हैं नहीं, इसको जो है हम इसकी इम्प्रूव करेंगे, कॉन्ट्रेक्चर को इम्प्रूव करेंगे, हम रिहैब टीम की मदद से इसको जो है प्रोस्थेटिस के पास भेजेंगे, उसको हम ऑर्थोसिस बनाएंगे, प्रोस्थेसिस अगर नहीं है वो उसको देंगे, उसको व्हील चेयर पे बिठा के उसको मूव करेंगे। देखिए, एक पर्सन है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट, बिस्तर पे लेटा हुआ है कमरे के अंदर, वो बंदा बेहतर है या वो अपने आप को उठा लेता है किसी तरीके से हाथों से, उसके पाँव नहीं काम कर रहे और वो व्हील चेयर पे बैठ के बाहर जाता है, बाहर जाके फुटबॉल मैच देखता है, तो कौन सा पेशेंट, कौन सा बंदा अच्छा हुआ? जो वो जो कम्युनिटी में वापस जा रहा है वो अच्छा हुआ ना। तो रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी को कम करना होता है, इम्पेयरमेंट को कम करना होता है, डिसेबिलिटी हैंडीकैप को कम करना होता है। तो हमारी जो अप्रोच होती है वो हॉलिस्टिक होती है, एट द लेवल ऑफ हम उसकी इम्पैक्ट देखते हैं कि इसके फंक्शन में क्या क्या कमी है, उसको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। तो हमारी अप्रोच डिफरेंट है, हॉलिस्टिक अप्रोच है, एट द लेवल ऑफ द पर्सन एंड सोसाइटी है। मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि हाँ, उससे भी फर्क पड़ता है, जब एक बंदा कार्डियोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करेगा तो वो वापस जाएगा कम्युनिटी में, अगर वो उसका हार्ट अगर डिजीज होगा तो कैसे वापस जाएगा, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो वहां तक कवर नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक फील्ड है जो बहुत अच्छी, यानी तेजी से इवॉल्व कर रही है, और हमारी रिहैब टीम में बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, पूरी टीम है, टीम मेंबर है, जो आप अगले लेक्चर्स में भी आप देखेंगे कि किस तरह से होता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट है बस। चलिए ठीक है, मैं फिर आज इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक दिन के बाद है शायद, इवेल्युएशन के ऊपर है, रिहैब में कैसे करते हैं। तो आप सब जो है उनको मैं अल्लाह हाफिज कहता हूँ, ठीक है।